सो हेलो गाइज, अभी जस्ट हाल ही फिलहाल हमारे पास अपडेट आ रहा है कि XUV700 का रेड कलर भी रिवील हो चुका है भाई। रियल वाला रेड रिवील हुआ है, यहाँ पे कोई फोटोशॉप वाला नहीं हुआ है। फोटोशॉप वाली भी इमेज मैंने आप लोगों को डाल दी है, तो लोग इसको ऐसा बता रहे थे बट निकली है ऐसी। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी डिज़ाइन के बारे में। कोई कह रहा था बिल्कुल घटिया डिज़ाइन निकाल दिया है, तो कोई कुछ कह रहा था। तो भाई डिज़ाइन को लेकर तो सारा कुछ क्लियर आउट हो चुका है। जो ब्राउन वाली इमेजेस देखने को मिली थी वो एक तो कलर की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, और थोड़ा सा उसको एडिट भी पक्का करा गया था डायमेंशन वगैरह में, बट बाकी जो हमें डिज़ाइन देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है जो काफी लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। सामने की हेडलाइट्स भी सेम है, टेल लाइट्स भी सेम है। और यार इस चीज़ से हमें एक बात बहुत ज़्यादा पता चल रही है कि अब जो है ये डीलर्स पर भी आने वाली है गाड़ी, और अब जो है हमारे पास लॉन्चिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली है। 15 अगस्त की लॉन्चिंग जो है वो अभी तक कंफर्म मानी जा रही है। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ऐसा भी बताया था कि ये हमारे पास दिवाली में देखने को मिलेगी। सो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होने वाला है कि वो दिवाली में आएगी, अभी बस 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी रिवील हो चुकी है गाड़ी। अब सिर्फ और सिर्फ कमी है तो एक चीज़ की, वो है इसकी लॉन्च डेट। अब इसमें हमें नया वाला M का लोगो भी देखने को मिल जाता है जो महिंद्रा का लोगो है। मेरे हिसाब से अगर पुराना वाला लोगो इसमें देखने को मिल जाता तो मज़ा जो है कुछ और हो जाता। अब ये अपनी अपनी फीलिंग होती है लोगों की कि कौन सा किसको कौन सा लोगो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को जो है पुराना वाला लोगो बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैं यही कहूँगा यार अब महिंद्रा का जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। सिर्फ एक चीज़ का वेट है, वो है प्राइस। अब यहाँ पर प्राइस जैसे ही पता चल जाएगा तो सारा कुछ रिवील हो जाएगा कि ये गाड़ी चलने वाली है या फ्लॉप होगी, क्योंकि बस एक ही चीज़ अब डिसाइड करनी रह गई है, इसका प्राइस। बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, फीचर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बस प्राइस रह गया है। तो यार आप मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बट जो सोचा था, जो एक्सपेक्टेशंस जो बहुत ऊपर चली गई थी, वो तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई मेरे हिसाब से। यार देखो पर्सनल ओपिनियन है, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लग सकती है, मेरे को भी बढ़िया लग रही है, बट बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही। तो ठीक है, डिज़ाइन के मामले में बस प्राइस और रिवील हो जाए तो सारा मामला सेट हो जाएगा। तो यार नीचे कमेंट करना मत भूलना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।